दीपावली है, लिहाजा खरीदारी करना तो स्वाभाविक है। अब दीपावली की खरीदारी करते वक्त पहले जहन में क्या आता है? जाहिर है ना, दिए। दीपों के इस त्योहार पर दिए ना हो, भला ऐसा हो सकता है? अब तक आप सभी ने मिट्टी के दियों के बारे में सुना होगा, देखे होंगे और जलाए भी होंगे। लेकिन हमारी इस खास पेशकश में हम आपको दिखा रहे हैं जिला जेल में वो महिला कैदी जो गोबर के दिए बनाकर कारा से उजियारा प्रोग्राम के तहत अपनी कार्य कुशलता को बढ़ा रही हैं। जेल प्रशासन की ओर से शुरू की गई इस अनूठी पहल ने महिला कैदियों को एक नई दिशा दिखाने का काम किया है। इसके तहत जेल की महिला बंदी जेल में ही प्रशिक्षण लेकर स्वयं सहायता समूह के माध्यम से 7 प्रकार की डाई के माध्यम से गोबर से दिए बनाने का काम कर रही हैं। उन्नाव जिला जेल में चलाए जा रहे इस कार्यक्रम में मुख्य विकास अधिकारी की देखरेख में प्रशिक्षण के बाद दिया बनाने का काम किया जा रहा है। स्पेशली राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत जिला प्रशासन के सहयोग से महिलाओं के द्वारा दीपक का निर्माण कराया जा रहा है। इस कारागार में जैसा कि आप देख रहे हैं, वैक्स के दीपक हैं, मिट्टी के दीपक हैं और गोबर से बने हुए दीपक हैं। इन सबका निर्माण महिलाओं के द्वारा किया जा रहा है। इनको इसके लिए जिला स्तर से प्रशिक्षित किया गया था, प्रशिक्षण का कार्य यहाँ हुआ था और अब वे लगभग 10,000 दीपक गोबर के, 10,000 मिट्टी के एवं 5,000 वैक्स के दीपक बना ली हैं और यह दीपक वे यहाँ पर बनाकर उनको इसलिए सिखाया गया है कि भविष्य में ये वे छूट के जब बाहर जाएं तो वहाँ वो स्वावलंबी हो सकें और अपने घर पर दीपक का निर्माण कर अपनी आजीविका चला सकें, अपने परिवार के भरण पोषण एवं अन्य जो आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति कर सकें। इसी उद्देश्य के तहत उनको यहां प्रशिक्षित करके उनसे उत्पादन कराया जा रहा है। सर, एक सवाल आपसे और होगा कि ये जो प्रशिक्षण है ये कितने महीने का होता है और लगभग कितनी महिलाएं इसमें जो हैं शिक्षित हो रही हैं? ये अलग अलग है। सिलाई का प्रशिक्षण तो 3 महीने का था और अभी चल रहा है। इसके अलावा स्मार्ट क्लास चल रहे हैं इनके। स्क्रीन पर दिख रहे रंग बिरंगे दिए जो इको फ्रेंडली भी है और महिला कैदियों के जीवन में एक उम्मीद की किरण भी है जो उन्हें अंधकार से दूर करते हुए उनके जीवन में एक नई दिशा की उमंग लेकर आएगी। उन्नाव से संवाददाता विनीत सिंह की रिपोर्ट।